मूवी के स्टार्ट होते ही एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पे बात कर रही होती है जो उसे लोकेशन बता रहा था उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने का कहता है और वो उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है वो मोबाइल देखती है तो वहाँ पर नो सिग्नल होता है मोबाइल देखते हुए अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर बुरी तरह टकरा जाता है वो बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतर कर उसे देखने जाती है और साथ साथ ये प्रे कर रही होती है की वो मरा ना हो वो देखती है की वो मरा नहीं है उसमें अभी भी कुछ सांसे बाकी थी और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है वो अचानक से उसे झपट कर पकड़ लेता है वो उसके नीचे वाले होंठ पर बुरी तरह काट कर उसे अलग ही कर लेता है और उसके होंठ को कच्चा चबा जाता है किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन सामने से एक और म्यूटेंट आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है जो उसे पकड़ लेता है और वो म्यूटेंट थ्री फिंगर था वो किम्बरली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल जिसका नाम डेल मर्फी होता है उसे दिखाया जाता है और वो ही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो का होस्ट कर रहा है उनके शो का नाम अपोकलिप्स होता है इस शो में टोटल छह पार्टिसिपेंट जिनमें किम्बरली जो वहाँ पर पहुँच नहीं सकी क्यूँकी वो रास्ते में ही म्यूटेंट का शिकार बन चुकी थी शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वही शो का डायरेक्टर था वो सब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बरली वहाँ पर मौजूद नहीं थी इस पर माइकल डिसाइड करता है की वो उसके बगैर ही अपने शूट को स्टार्ट करेंगे और वो शो की सेकेंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है की वो सिक्स कंटेस्टेंट बन जाए और वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सके और साथ साथ वो पार्टिसिपेंट के ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं फिर वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं डेल उन लोगों को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है उन छे के पार्टिसिपेंट्स को वो एक एक टीम में डिवाइड करते हैं उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है आरवी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उसके फुटेज में हम नील को देखते हैं जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट के उसे मार देता है इसके बाद हम देखते हैं डेल को जो जंगल में खड़ा उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो वापस आता है कि किसी ने उसके एटीवी को तीर मार कर उसके टायर को पंचर कर दिया है इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से वार करना शुरू कर देता है लेकिन वो खुद को बचाकर कर के पीछे छुप जाता है लेकिन सामने से थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सीने में लगता है लेकिन थ्री फिंगर को उसका जरा भी असर नहीं होता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को लीक करता है और अचानक ऐसी वहाँ पर एक और म्यूटेंट आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए को शूट कर रहा होता है जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था लेकिन जे किस बात से इनकार कर देता है वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता लेकिन इलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए और इसीलिए वो माइकल को लालच देती है नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क की ये था की उन्हें रिवर के पास जाकर अपना वो टास्क कंप्लीट करना था वो तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाती है और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है लेकिन साथ में वो माइकल और इलीना को भी देख लेती है जिससे वो काफी है क्यूँकी ये सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही होती है वो काफी दुखी हो जाती है जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है एमवर और जोनसी को जंगल में एक बार भी क्यूँ नजर आता है और वो समझते हैं की शायद यही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद ऐसी उसे वहाँ ऐसी उठा ले जाते हैं उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहाँ से वो फोन ढूंढ सके उस घर में उन्हें डी फार्म लोगों की पिक्चर भी नजर आती है जिसमें टोटल चार लोग होते हैं चार लोग बा माँ ब्रदर और सिस्टर जो कि बहुत खतरनाक म्यूटेंट थे अभी वो पिक्चर देख ही रही होती है की वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छुप देखने लगती है और वहाँ पर माँ और सिस्टर होते हैं माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर वो एक बच्चे को पैदा करती है वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था नीना और मारा उस बच्चे को देख रही होती है तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है वो उन पर झपटने लगती है तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती है और एक बेड के सहारे से उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी विंडोज भी मजबूती से बंद होती है वो काफी घबरा जाती है क्योंकि बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहाँ से भाग रही होती हैं लेकिन पा उन्हें देख लेता है वो एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है नीना उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती और भाग जाती है पा वहाँ पर आकर मारा के सर से वो कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है नीना वहाँ पर छुपी होती है और वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को वहाँ से लेने आती है और ट्रक के ऊपर उस, उसने मारा को भी बांधा होता है वो उसकी उंगली को चबा कर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिर जाती है नीना बड़ी मुश्किल से अपने मुँह पर हाथ रख के अपना मुँह बंद करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है माइकल वहाँ से निकल कर हार्वी की तरफ चला जाता है और पीछे ऐसी लीना अकेली रह जाती है ब्रदर छुप कर काफी देर से एलिना को देखता होता है इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे देखकर जयलस होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है एलिना वहाँ से भागने ही होती है की सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है वो उसकी कमर में बहुत ज्यादा चाकू मारती है और उसे इतना जख्मी कर देती है की उसकी स्पाइन तक नजर आने लगती है और वो मौके पर ही मर जाती है बेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है तभी पा और माँ वहाँ पर ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है जिस पर डेल उसे जख्मी करके खुद को आजाद कर लेता है डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़ी हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे ही गोली से उड़ा देता है फिर माइकल हार्वी में आता है और वो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है तो अचानक से हारवी खुद ब खुद चल पड़ती है माइकल सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे माँ मार के जख्मी कर देता। दूसरी तरफ जेक एम्बर और जोनसी जो बड़े मजे से बारबी क्यू एंजॉय कर रहे होते हैं नीना बहुत घबराई होती है और हाँपते हुए वो उन लोगों के पास पहुँच जाती है वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है की हमें यहाँ पर अब एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए हमें यहाँ ऐसी चले जाना चाहिए जोनसी समझता है कि शायद ये भी शो में एक एक्टिंग का एक पार्ट है और वो एक्टिंग ही कर रही है सब अचानक एम्बर की नजर उस बारवी के ऊपर पड़ती है जो वो खा रहे होते हैं वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे होते हैं ये देख कर वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं स्टे करते और वहाँ से भाग जाते हैं वो आरवी की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है मेन आर्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है डेल वहाँ अपने जख्मों पर टांके लगा रहा होता है और मेनार्ड उन्हें इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है वो उसे बताता है कि ये म्यूटेंट्स इन ब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की पैदावार है और जैसे ही उसे पता चलता है की डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है वो उस पर अटैक कर देता है और साथ में वो कहता है की थ्री फिंगर मेरा बेटा था डेल वहाँ एक पड़ा हुआ एक डायनामिट उठाता है और उसे मेनाड के पीछे लगा देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनाड के टुकड़े टुकड़े हो जाते इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर लेता है वो चारों उस मिल को ढूंढ रहे होते हैं तब जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं और जब वो दोनों देखते हैं तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं नीना यहाँ पर भी खुद गर्जी का मुजाहिरा करती है और वो वहाँ तीनों को छोड़कर भाग जाती है वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं उनसे लड़कर उन्हें मारते भी है और वहाँ से भाग जाते नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है नीना एक सेल्फिश लड़की होती है वो सबको मुसीबत में छोड़कर भाग ही चुकी थी लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है वो एम्बर और जोनसी को कहता है कि तुम दोनों मिल की तरफ चले जाओ हम वहीं पर मिलेंगे और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है नीना की चीख सुनते हुए वो उसकी हेल्प के लिए भागता है वो उसे ढूंढ कर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है वहाँ पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं भागते भागते वो ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे रिवर होता है इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है उन लोगों के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता और वो रिवर में ही कूद जाते हैं एम्बर जोनसी भाग रहे होते हैं और जोनसी एक ट्रैप में फंस जाता है एम्बर उसे बचा रही होती है और वो खुद भी इस ट्रैप में फंस जाती है और इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं पा उन लोगों के ऊपर अभी निशाना बना ही रहा होता है तो वो ब्रदर को मौका देता है ब्रदर एक ही तीर से उन पर वार करके उन्हें मार देता है नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक अलमारी में उन्हें एक स्कैल्टन मिलता है जो एक छोटी बच्ची का होता है नीना उसे देख कर बहुत डर जाती है और वो सोचती है की शायद ये बच्ची भी इन म्यूटेंट से बचकर यहाँ पर छुपी थी और इंतजार करते करते वो वहीं पर ही मर गए डर की वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जोनसी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं हमें उनका वेट करना चाहिए वहाँ वो देखते हैं कि विक्ट की बहुत ज्यादा गाड़िया खड़ी हुई थी जो तादाद में बहुत ही ज्यादा थी और वहाँ पर उनकी आरवी भी खड़ी जिसमे माइकल की मुसलसिल चिल्लाने की आवाजे आ रही वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते है जब जेक अंदर जाता है तब वो देखता है की माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है जिस पर जेक समझ जाता है कि ये उन के लिए बिछाया गया एक ट्रैप है लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और वो दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं नीना जब होश में आती है तब वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जेक को भी सामने लटकाया हुआ है तब उस फैमिली का डिनर का टाइम होता है और डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुँह में खाना डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है की वो फैक्ट्री ही असल में उनका घर था माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट फेंक देती है और वहीं पर डेल उसे छुप देख रहा होता है डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवी ट से आवाज पैदा हो जाती है जिससे उन सबको पता चल जाता है आवाज सुनते ही वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामेट से उड़ा देता है अंदर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और इतनी देर में डेल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे आजाद कर देता है उसके बाद वो जेक को भी खोल देता है तभी पा और माँ भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देख कर वो दोनों पागल हो जाते हैं पा डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था माँ उसकी तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से निपट जाता है और वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है नीना बड़ी मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है लेकिन गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है माँ और पा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं नीना को जेक की चीखे सुनाई देती है और अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है वो पा की गर्दन पर बाइट करके उसका मांस उखाड़ देती है और जेक मारते हुए पा को ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है एन वक्त पर माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल देती इतनी ही देर में नीना एक लीवर खींच देती है जिससे लकड़ी का लोग वहाँ से मूव करता हुआ उन लोगों से टकरा जाता है और सीधा उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे उनका कीमा कीमा बन जाता है नीना और जेड एक कार में बैठ कर वहाँ ऐसी चले जाते हैं लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है की थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता वो भी जिंदा होता है जो की फार्म बच्चे को फीड कर रहा होता है और वो भी मारा की फिंगर से और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है